कभी आता तो टेंशन मत लो, मेरा आइडिया काम कर जाएगा। जैसे सीढ़ी आएगी ना मैं चढ़ जाऊंगा ऊपर। आ रहा है भाई, थोड़ी आ रहा है। गुड मॉर्निंग सेक्रेटरी साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऐसे दिख रहा है जैसे दुनिया का सातवां अजूबा देख रहा हूँ। सातवां नहीं, आठवां भाई। सात अजूबे तो ऑलरेडी है ना इस दुनिया में। आज इस टॉवेल में तो आठवां अजूबा लग रहा है। इसे बोलने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी को ये ऐसी हालत में देख के लोग क्या सोच रहे होंगे। क्या जरूरत थी ऐसे टॉवेल में नीचे आने की? मुझे क्या पता तुम बाहर गई हो। देखना चाहिए था ना कि मैं घर में हूँ नहीं हूँ ऐसे। अरे बारिश हो रही थी, सकारम भीग रहा था, इसलिए मैं जल्दबाजी में बाहर आ गया ना। अरे वो थोड़ी देर पानी में भीग जाता तो उसको सर्दी जुकाम नहीं हो जाता। स्कूटर है वो, स्कूटर। स्कूटर मत बोलो उसको, सकारम बोलो। इसने तुम तो सकारम सुनता नहीं, पापला जन्माना नहीं करते माधवी। ओ भाई भिड़े, क्या हर बात में माधवी भाभी को डांटना शुरू कर देता है? गलती तेरी है, तुझे शांति से सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था घर में कौन है कौन नहीं है। और पूरे कपड़े पहन के 5 मिनट के बाद तू चाबी लेकर घर से नीचे आता तो क्या जाता तेरा? सखाराम के साथ जो मेरी भावनाएं जुड़ी। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब्दुल मैं सीढ़ी लेके आते ही होगा, मैं फटाफट सीढ़ी पे चढ़ जाऊंगा, दरवाजा खोल दूंगा, टेंशन सॉल्व हो जाएगी। वैसे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी एक ही सिटी बजी है। हाँ लेकिन अगर मेरे काका को आ गए ना तो मेरी सिटी बजेगी भाई। तुम जानते नहीं हो मेरे काका को, बहुत डिसिप्लिन आदमी है, सब चीज उनको टाइम टू टाइम चाहिए। 11:30 बजे खाना चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि 12 बजे उनको दवाई लेनी होती है ना। अरे भिड़े मास्टर। अरे भाई भिड़े मास्टर, ये क्या बेस बना रखा है? किसी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, वो आती भाई क्या है ना कि वो सखाराम को कपड़े पहनाने के चक्कर में खुद पूरे कपड़े पहनना भूल गया। अरे ए बिल्ली मास्टर, क्या हुआ? सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? और बिल्ली मास्टर, तू घर से ऐसे क्यों निकला? बारिश की वजह से कपड़े नहीं सूखे हैं क्या? नहीं नहीं चाचा जी, बात दर से लेके हमारी घर की चाबियां घर के अंदर रह गई और दरवाजा लॉक हो गया है, हम लोग बाहर फंस गए। अरे लेकिन तू घर से टॉवल में क्यों निकला? वो इसलिए कुछ नहीं चाचा जी, वो दरअसल सखाराम को कपड़े पहनाने के चक्कर में खुद पूरे कपड़े पहनना भूल गया। तो बहुत मजा आ रहा है सबको बताने में पोपट लाल। मजा नहीं आ रहा है भाई, जो हुआ वही बता रहा हूँ मैं। माधवी भाभी, आपकी एक्स्ट्रा चाबी किसी के पास तो होगी ना? नहीं ना कोमल भाभी, दुर्दैवाने सब चाबियां हमारे घर के अंदर ही है। गैस पे कुकर रखा है, गैस चालू है और एक सीटी हो भी गई है। ओह गॉड, ज्यादा सीटियां बज गई ना तो कुकर फट सकता है। ओह, कुकर में बन क्या रहा है? ए, यहाँ कुकर कभी भी फट सकता है, पर तुझे कुकर में क्या बन रहा है उससे बड़ी हाथी भाई। हाँ याद है ना, मेरे कजन के यहाँ सिर्फ 8 सीटियों में कुकर फट गया था। पप्पू, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, अभी एक ही सिटी बजी है। दूसरी बज गई। चिंता मत कीजिए बाजी भाभी, 2 ही बजी है ना, अभी हमारे पास 6 सिटी का टाइम है। ये लेकिन ये अब्दुल का रह गया। पप्पू काश तू पोपट होता तो सच में उड़कर बालकनी में पहुंच जाता। अच्छा, और फिर वहां जाकर कड़ी कैसे खुलता? इंसान बनके। अच्छा, मतलब कड़ी खोलने के बाद वापस उड़ के नीचे आता और नीचे आके इंसान बनता ऐसे? अरे कड़ी खुल जाने के बाद पॉपट बनने की क्या जरूरत है, वो चल के नीचे आ जाता। अब्दुल, हाँ जल्दी हाथ तोड़ के भिड़ भाई, सीधी आ गई। अरे वाह, क्या टाइमिंग है, बारिश भी बंद हो गई। बारिश बंद, अब्दुल क्या आते ही सीढ़ी आ गई। अभी आ जाओ पानी ले लो। आजा 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 आजा, और यहां पे सीढ़ी से आएंगे। अरे अब्दुल तुम भी कमाल कर रहे हो भाई, हमें सीढ़ी पे चढ़ना है, तुमने सीढ़ी मेरे पे चढ़ा दी। सॉरी सॉरी भिड़े भाई,
और कोई गल नहीं अब्दुल, सीढ़ी आ गई ना, अभी हम लोग फटाफट ऊपर चढ़ते हैं। अरे तू ये लकड़ी की सीढ़ी लेकर क्यों है? वो सोसाइटी की लोहे की सीढ़ी थी, वो कहाँ गई? वो भिड़े भाई ने बेच दी। सोसाइटी में फंड का प्रॉब्लम हुआ था क्या? नहीं 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 चाचा जी, वो सीढ़ी बहुत खराब हो गई थी, लोहे की थी ना, जंग पकड़ लिया था, भंगार हो गई थी, इसलिए बेच दी मैंने। वो नई लेने से पहले पुरानी बेचने की क्या जरूरत थी? बहुत खाई रहती है आपको। माधवी उस वक्त भंगार का अच्छा भाव मिल रहा था, इसलिए बेच दी मैंने। कोई गल नहीं पिड़ू, बेच दी तो बेच दी, और नई सीढ़ी क्यों नहीं ली यार? अरे ऐसे कैसे खरीद लेता सोड़ी, उसके लिए सोसाइटी की मीटिंग बुलानी पड़ती है ना। अरे बेचने के टाइम पे मीटिंग बुलाई थी पोपटलाल, उस वक्त सोसाइटी में पैसे आ रहे थे भाई, जब सोसाइटी फंड से पैसे जाते ना तब मीटिंग बुलानी पड़ती है। मीटिंग सीढ़ी खरीदने के लिए मीटिंग? अरे सीढ़ी खरीद लेनी चाहिए ना। भिड़े मास्टर तुम भी? चाचा जी आप तो जानते ना मेरा सब काम परफेक्ट होता है। देखा देखा भाई भिड़े तेरा परफेक्ट काम, घर की चाबी लिए बिना ही निकल गया। पोपटलाल मुझे क्या सपना आया था कि हम लोग ऐसी मुसीबत में फंसने वाले हैं? अच्छा कोई भी मुसीबत कैसे थोड़ी आती है, अभी सिटी के बारे में सोचिए। हाँ माधवी भाभी पिड़ू, वो भी टेंशन मत लो, अब्दुल सीढ़ी लेके आ गया ना, मैं फटाफट ऊपर चढ़ जाता हूँ, सारी टेंशन खत्म। ओ पिड़ू वो सारी चाबियाँ कितने थोड़ी, अभी दरवाजा खुलने के बाद चाबी की क्या जरूरत है? हाँ चलो जी चलो फटाफट चढ़ जाते हैं। भाई सोड़ी तू रहने दे भाई, ये सीढ़ी तेरा वजन नहीं उठा पाएगी। एक काम करता हूँ मैं ऊपर जाता हूँ। अहो आपने ये आपने टॉवेल पहना है? अरे वो मगाजी सूटला होता नहीं तो अभी मैं तो नहीं नहीं आपको कौन बोल रहा है? नहीं नहीं मैं सीढ़ी पे चढ़ता हूँ। नहीं नहीं चाचा जी आपको कुछ हो गया तो हम लोग जेठा प्रा को क्या मुंह दिखाएंगे। चाचा जी आप रहने दीजिए। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। नहीं 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 चाचा जी आप रहने दीजिए, और आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं चढ़ जाता हूँ सीढ़ी पर। सीढ़ी पर ही तो चढ़ना है, उसमें क्या है? बापू आप लोग जरा पकड़ना, मेरे हाथों में रहेगा। तूने तो अभी खुद ही बोला था ना कि मैं चढ़ता हूँ सीढ़ी पे। लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि ये सीढ़ी मेरा वजन भी नहीं उठा पाएगी। मुझे लगता है ये सीढ़ी बीमार है, इसकी लकड़ी सड़ चुकी है, इस पे चढ़ना सेफ नहीं होगा। कैंसल कैंसल भाई, इस सीढ़ी पे चढ़ना कैंसल। मेरा छाता था, छाता छाता छाता, ये लो भाई छाता। अभी अभी काम करते हैं, सीढ़ी की दूसरी तरफ से चढ़ते हैं। ये बीच में कहीं पायदान अगर कमजोर निकला तो? अरे हाँ माधवी भाभी, ऐसा हुआ तो मैं जम मारकर थल्ले आ जाऊंगा, पर एक बार ट्राई तो करके देखें प्लीज। थैंक यू कोमल भाभी जी। ओह माधवी भाभी उन्हें तुझे टेंशन छाड़ दो, ये साइड मेरे को सीढ़ी की बहुत मजबूत लग रही है। बोला था ना अरे मैं तो पहले से कह रहा हूँ ये सीढ़ी बीमार है, समझ ही नहीं रही। कहाँ से लाए अब्दुल से? अब क्या करें पिड़ो, अब तो एक ही रास्ता है, दरवाजा तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। हाँ। ए, सोड़ी तुम बार बार दरवाजा तोड़ने की बात क्यों कर रहे हो भाई? तेरे पास और कोई आइडिया है? हाँ। अरे तो हम लोग सब मिलकर दूसरा आइडिया सोचते हैं ना माधवी भाभी। अहो
दूसरा आइडिया ढूंढने के चक्कर में तीसरी सिटी तो बच गई सिटी। दोस्तों तीसरी सिटी बच चुकी है, मामला गंभीर है। कमिटी मेंबर होने के नाते सोनी मैं तुझे कहता हूँ दरवाजा तोड़ दे। ओ सोनी भाई ये नहीं कोपटलाल क्या दरवाजा तोड़ दे भाई। अरे भाई कुकर फट गया तो किसी का भी घर ब्लास्ट हो सकता है। मेरा मतलब है किसी का भी घर ब्लास्ट हो सकता है। अरे हाँ करेक्ट है ट्रू। और हमारे घर में तो नुकसान कंफर्म। एक आइडिया एक आइडिया। अरे भाई जल्दी बोल। गोविंदा। गोविंदा फिल्म स्टार गोविंदा आके यहाँ क्या करेगा? नहीं हाथी भाई मैं वो फिल्म स्टार गोविंदा जी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जन्माष्टमी में दही हंडी फोड़ने आता है ना ग्रुप, उसको भी गोविंदा बोलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अरे भाई वो गोविंदा ग्रुप यहाँ पर कैसे आ सकती है? सब जॉब पे हो गए ना, सबको इकट्ठा करना फिर चढ़ाना तब तक तो। अरे भाई माजा राजा मैं उनको बुलाने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। हम गोविंदा बन सकते हैं ना, मतलब एक के ऊपर चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। तू मजबूत है भाई, तुम्हें नीचे होना चाहिए। अहो, आप नहीं हो? नहीं नहीं मैं भी ऊपर नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम है मैंने तौलिया पहना है, मैं बेस में रहूंगा। नहीं वो क्या है वो अपना बेस मजबूत होना चाहिए, मतलब छोड़ी तू मैं और हाथी भाई हम लोग तीनों नीचे रहेंगे, ऊपर पोपटलाल जैसा कोई हल्का भी चढ़ सकता है। पोपटलाल जैसा क्यों? अब बापू ही चढ़ेगा। छाता रखेंगे संभालना, अभी तिजोरी में रखते भाई। हल्की से ऊपर जाओ। कोशिश करता हूँ। अरे 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 कोपटलाल संभालो। पानी बाबी एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। पर ये किधर है? अरे पिडू ओ शर्मा अहमद आजा आजा। अरे वाह की बेल्ट है। बिडे, तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। जाओ तुम दरवाजा खोलो जाओ। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। पहले गैस बंद करो। हाँ चाचा जी वो जरा छाता नीचे ना। हाँ। अरे ऊपर छाते का क्या करेगा तू? हाँ छाते के बिना थोड़ा अधूरा अधूरा लगता है। लो हम लोग हमारी बीवी के बिना अधूरा लगता है, इसको छाते के बिना अधूरा लगता है, इसलिए अब तक तुम्हारा तू का चाहता उसकी प्रेरणा होगी भाई। अरे सॉरी चाहता कोई प्रेरणा होगा। प्रेरणा दे दे उसके जल्दी गाड़ी फेंकना मत चाचा जी। शांति से दे दे उसे नीचे से आराम से रुक। हां
थोड़ा और ऊपर। मिल गया चाचा, चाय भी खोल जल्दी दरवाजा खोल। अरे भिड़ा, दरवाजा अंदर से बंद है। अरे बाप रे, अपने बालकनी का दरवाजा बंद किया था। पता नहीं। अरे क्या पता नहीं, परफेक्ट आदमी। अभी तक तेरा एक भी काम परफेक्ट नहीं मिला। चाबी लेना भूल जाता है, सीढ़ी बेच देता है। इतनी मेहनत करके मैं यहाँ ऊपर आया तो अभी यह बालकनी का दरवाजा बंद है। सॉरी पोपटलाल, लेकिन मुझे सच में पता नहीं मैंने कब बंद किया था। बोलो तेरा किचन किस तरफ है, राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में। हाँ करेक्ट, उसी तरफ। अरे भाई, तो ऐसे बोल रहा तेरा लेफ्ट में है दरवाजा। ओए अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। पप्पू भी फंस गया ऊपर। तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दे तोड़ दे। नहीं थोड़ी तोड़ना, मत दरवाजा मत तोड़। तुम सही नहीं है माधु बाबी। काश पोपटलाल तुम हथौड़ा होते तो दरवाजा तोड़ सकते। क्या बोल रहे हाथी भाई, अब मैं आपके लिए हथौड़ा बन जाऊं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चार सीटी ऑलरेडी बज चुकी है, कहीं कुकर फट ना जाए। अरे बाप रे, अरे भाई मुझे नीचे उतारो। अरे नहीं नहीं पोपटलाल, अरे चार सीटी नहीं हुई भाई, माधी सिर्फ तीन सीटी हुई है। नहीं चार सीटी हुई है। नहीं माधी तुम भूल रही हो, पहली सीटी कब हुई थी, जब हम लोग सोडी के घर पे थे। हाँ। और बाकी की दो सीटी हम लोग जब नीचे आए तब हुई है, ये हुई चौथी सीटी। अरे बच गई चौथी सीटी। अरे तीन चार के चक्कर में मेरे बारह बच जाएंगे, प्लीज मुझे नीचे उतारो। काश पोपट भाई अब बॉल होते तो हम लोग कैच कर लेते। अच्छा पहले पोपट फिर हथौड़ा अब बॉल। एक काम करता हूँ, मैं सीधा कुकर ही बन जाता हूँ और फट जाता हूँ तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। सही बात है। अरे क्या सही बात है दीपा, क्या सही बात है, सही बात है। गलत जगह पे सही बातें बोल देती हूँ। गलती से मुंह से निकल गया, सॉरी। अरे सब लोग शांत हो जाओ, टिप्पे तू भी शांत हो जा। क्या क्या शांत हो जाओ? बिल्ली मास्टर खिड़की तो खुली होगी ना? वो अभी बारिश हो रही थी ना, इसलिए मैंने खिड़की बंद कर दी थी अंदर से। ये सब बंद करके है। वाह वाह वाह, परफेक्ट कुमार, मतलब मेरे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैं काम करता हूँ, मैं खुद ही खुद जाता हूँ। पोपटलाल ऐसे स्टंट करने की कोशिश मत करो भाई, गिर गए तो हाथ पैर टूट जाएंगे। अगर यहाँ खड़ा रहा आती भाई तो पता नहीं और क्या क्या टूटेगा। आप फंस गया यार चाय के चक्कर में। पोपटलाल तुम चिंता मत करो, तुम्हें चाय मिलेगी, जरूर मिलेगी। अरे नहीं पीनी मुझे चाय। थोड़ी भाई दरवाजा तोड़ दे। थोड़ी भाई दरवाजा थोड़ा थोड़ी। एक रास्ता और है अब्दुल, वो तुमने चाबी वाले को फोन किया था ना, जो अपने घर में फंसा हुआ था, मतलब बंद किया था बीवी ने उसको, तो उसको पूछ ना फोन करके वापस कि बीवी वापस आई क्या, दरवाजा खुला क्या, पूछ ना प्लीज। हाँ वो अभी चाबी वाले को छोड़िए, कुकर फट गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, और काका काकू आ रहे उसका टेंशन अलग, और पोपट बाबू जी भी फंसे ऊपर। आए पोपो चिंता ना कर, अभी चार सीटी का टाइम बाकी है। आग लगी हो, आप आग बुझाने के लिए पानी की बाल्टी हाथ में उठाए और आपको एहसास हो कि जिसे आप पानी समझ रहे हैं वो तो पेट्रोल है, तो आपका हाल क्या होगा? उससे कहीं ज्यादा खराब हाल हुआ है भिड़े का काका काकी को देख के। भाई आप तो जानते ही हैं कि भिड़े टॉवल में है, घर बंद है और गैस पे प्रेशर कुकर है, और यहाँ काका काकी खाना खाने के लिए पहुंच गए। अब क्या करें भिड़े, क्योंकि समय पे काका को दवाई लेके खाना खाना जरूरी है। भिड़े क्या करेंगे, क्या ये दरवाजा तोड़ देंगे, क्या होगा अगर ये दरवाजा नहीं टूटा तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ बाहर बड़ा प्रेशर है और प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है, और इतनी सीटियां बज चुकी है कि अब ये बिल्कुल फटने के कगार पे है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जान हथेली पे है, जान हलक में है। अब क्या करेंगे भिड़े, ये देखने वाली बात होगी। अब ये प्रेशर कुकर अंदर फटेगा या कुछ और होगा ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ प्रेशर कुकर की सीटी चाहे जितनी बजे आपके घरों में हंसी का प्रेशर जोरदार फटेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।